हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं संतोष कुमार गुप्ता आज आपके लिए गाइस हर बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छी टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं। और आज की जो मेरी टॉपिक होगी आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, पीडीएफ को हम कैसे एडिट करें। जी हाँ, बहुत ही अच्छी टॉपिक है। आपने पीडीएफ फाइल को देखा होगा, एडिट करना चाहो तो एडिट नहीं कर पाते हैं। पीडीएफ फाइल को हम अगर एडिट करके अपने अकॉर्डिंग कोई चीज एड करना चाहें तो बहुत ही मुश्किल होता है, हम कर नहीं सकते हैं। तो आज हम आपको वो बे बताएंगे कि किस तरीके से हम पीडीएफ फाइल को भी आसानी से एडिट कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को गाइज हम कैसे ऑनलाइन एडिट करें और कितनी आसानी से हम एडिट कर पा रहे हैं, आज इसके बारे में होगी चर्चा। आप कहीं मत जाइएगा, आपको आज एक ऑनलाइन बेस्ट टूल मैं बताने जा रहा हूं। ऐसा टूल जिनको आप भी यूज करेंगे तो बड़ा ही आनंदित होंगे कि अपने पीडीएफ को आप किस तरीके से बदल पा रहे हैं। तो चलिए गाइज, देर ना करते हुए हम पहुंचते हैं अपनी टॉपिक पे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ फाइल कैसे एडिट करें। तो पीडीएफ फाइल एडिट करने के लिए आपको डालना है गूगल पे ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर। ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर में हैं तो बहुत सारे, पर आपको मैं एक ऐसी साइट है जिसका सबसे टॉप पे ही आपको मिल जाएगा। जब आप डालेंगे नेट पे ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर, आप सर्च करेंगे ब्राउजर पे, तो आपको जो पहली साइट मिलेगी जिसमें लिखा हुआ है www.sajda.com। जी, www.sajda.com, ये बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल इजी है, लिखा भी है इजी टू यूज ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर सजदा। इसी पर आपको क्लिक करना है गाइस। ये स्क्रीन पे इसकी जो साइट है, ऑफिशियल साइट sajda.com की, ये खुल के आ गई है। आप लोग पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है, इनके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको वो फाइल डालना है जिस फाइल को आप एडिट करना चाह रहे हैं। तो गाइज, हम सबसे पहले वो फाइल लेंगे जिनको हम एडिट करके आज आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे हम कितनी आसानी से किसी भी पीडीएफ को एडिट कर पा रहे हैं। तो ये हम गए डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे हमने देखा कि बहुत सारी फाइलें हैं। अब हम किसी एक ऐसे फाइल को जो पीडीएफ हो, पीडीएफ फाइल को, सपोज दैट एक हमारे पास रिज्यूम पड़ा था, ये रिज्यूम मैंने ले लिया है। अब देखिए, ये रिज्यूम है, पीडीएफ है। अब पीडीएफ फाइल को अगर आप आसानी से एडिट करना चाहेंगे तो एडिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इस टूल का यूज करते हैं तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम पीडीएफ को एडिट कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप एडिट करेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको मोबाइल नंबर गलत हो गया है, मोबाइल नंबर को आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद में आप जो भी चीज़ें एडिट करना चाहते हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकेंगे। इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। और मोबाइल नंबर मान लीजिए कि हम कुछ भी डालना चाहते हैं, सपोज दैट हमने ये नंबर डाल दिया। अब आप देखिए कितने अच्छे ढंग से वो हमारे जो पुराने नंबर थे वो नंबर हट गए और नए नंबर ऐड हो गए। हम यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है टाइपिंग स्किल हिंदी एंड इंग्लिश 25 वर्ड प्रति मिनट। अब हम इनको हटा के कुछ और करना चाहते हैं तो हम इनको यहाँ से भी हटा सकते हैं। यहाँ रखेंगे कर्सर, पूरा डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे टाइपिंग स्पीड हिंदी एंड इंग्लिश 30 वर्ड प्रति मिनट। तो गाइज, हमने देखा ये जो दूसरी आ गई है इनको हमें यहाँ से हटा देना है, कहीं अगर अलग आपका कर्सर चला जाता है तो सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा कर्सर गया था वो उतना हट गया। यहाँ पे देखिए गाइज, हमने जो है 25 वर्ड प्रति मिनट को डिलीट करके 30 वर्ड प्रति मिनट कर दिया। तो देखिए, हम जैसा भी चाहें, कहीं भी अगर हमको एडिट करने की आवश्यकता पड़ी, कभी कंपनियों में भी जरूरत पड़ जाती है, या आपको ऑफिशियली कोई ज़रूरत पड़ी, या आपको अर्जेंटली कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी कि थोड़ा सा अगर हमारा ये चीज़ हट जाए तो बेटर हो जाता, काम की हो जाती, तो आप इस तरीके से पीडीएफ फाइल को आसानी से एडिट कर सकेंगे। यहाँ पे और भी ऑप्शन गाइज हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। ये टेक्स्ट हो गया, आप इन पर क्लिक करते हैं तभी आप टेक्स्ट ले पाते हैं। ये लिंक है,
यहाँ से हम किसी एग्जिस्टिंग या कोई नई लिंक यहाँ से हम यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं। आपको कोई भी फॉर्म फिल आउट करना है या नया फॉर्म आपको क्रिएट करना है तो यहाँ से आप फॉर्म भी क्रिएट कर सकेंगे और इसमें ऐड भी कर सकेंगे। कोई चीज़ आपका छूट गया है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। आपको कोई इमेजेज ऐड कराना है तो यहाँ से आप न्यू इमेज में जा कर के, और यदि कोई आपकी इमेजेज हैं JPG में हैं या अदर कोई हैं तो आप वो इमेज ऐड करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई इमेज ले लिया, सपोज दैट ये इमेज लिया, तो देखिए ये इमेज हमारी आ गई। अब जहाँ इनको रखना है वहाँ हमने रखा और इनको ऐसे ड्रैग करते हुए ये डाल दिया। तो देखिएगा इस PDF फाइल में हम केवल एडिट ही नहीं कर सकते, यदि आपको PDF में कहीं इमेज लगाना हुआ तो आप इमेज भी आसानी से लगा सकते हैं, फॉर्म भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई लिंक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको साइन की ज़रूरत हुई तो आप यहां से डिजिटल साइन भी ऐड कर सकते हैं। और यहां पे आपका व्हाइट हाउस है, एनोटेट है और सेव्स हैं। मोर में जाएंगे ऐसे आपको फाइंड एंड रिप्लेस मिलेगा, अनडू मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिस भी ऑप्शन का आप यूज करना चाहें उनका यूज कीजिए और ये बिल्कुल इजी है। PDF एडिटर नाम ही इसका ऐसा है कि आप इजी इनको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज कुछ और भी टूल हैं, जैसे अगर आप डिलीट करना चाहें, किसी भी चीज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्टेड चीज को डिलीट कर सकेंगे। जूम करना है गाइज तो यहाँ से आप जूम भी कर सकते हैं, जूम इन है, जूम आउट है। और यहाँ से आप रोटेट पेज को अगर घुमाना चाहें, लेफ्ट राइट किसी भी एंगल में पेज को घुमाना चाहते हैं तो घुमा सकते हैं। गाइज अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमें PDF फाइल कभी भी एडिट करने की जरूरत पड़े तो हम ऑनलाइन कितनी इजीली एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आपको अप्लाई चेंजेस पे जरूर क्लिक करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपने एडिट को ऊपर कर दिया लेकिन अप्लाई चेंजेस आपने ये नहीं किया, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है अनयूज टेक्स्ट एडिट, यानी ये टेक्स्ट हमारे जो है कुछ पाए जा रहे हैं इनको रिमूव करना है, रखना है, तो हमें वो रिमूव करना है। रिमूव कर दिया, कुछ हमारे टेक्स्ट लिख चुके थे ऑटोमेटिक तो उनको हमने जो है रिमूव कर दिया, जितनी हमको ज़रूरत थी वो टेक्स्ट हमारे आ गए यहाँ पे। अब देखिए हमारा फाइल कितनी बढ़िया तरीके से तैयार होके आ गई है। यहाँ पे गाइस ये देखिए रिज्यूम हमारा बन के आ गया, दो एक ही पेज में है, ये फोटो भी लगी हुई है, ये मैटर भी लिखा हुआ है और आपको तनिक भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं इसमें एडिटिंग हुई है, छेड़खानी हुई है। यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन है, आप चाहें तो एडिट करने के बाद इनको डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं, प्रिंट करने की जरूरत हुई तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम दो या दो से अधिक फाइलों को आपस में मर्ज करा दें तो आप आपस में उनको जोड़ भी सकते हैं। एडिट करने की पुनः आवश्यकता पड़ती है, एडिट के बाद भी अगर आप एडिट कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो यहां से अगेन आप अपनी फाइल को एडिट कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब हो गया कि अगर आपकी फाइल ज़्यादा MB या KB में पहुंच गई है तो इसको ये सघन करके थोड़ा सा फाइल साइज आपका कम कर देगा। डिलीट पेजेज, आपने अगर दो या दो से अधिक पेज को लिया है, उनको मर्ज कर दिया है, आप चाहते हैं कि उनको हम डिलीट कर दें, हमें किसी अदर पेज की जरूरत नहीं है, केवल आपको रिक्वायर्ड पेज की जरूरत है, तो आप वो पेज यहां से आसानी से डिलीट भी कर सकेंगे। देन स्प्लिट आता है, आप चाहें तो यहां से इस पेज को तोड़ के दो या दो से अधिक पार्ट में भी आप कर सकते हैं। क्रॉप से आप पेज को चाहें तो काट भी सकते हैं। मोर टूल है, यहाँ पे आप जाते हैं तो आपको और बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे अगर आप इस फाइल को आप फॉर्म एडिट में आप गए, एडिट एंड साइन में, तो आपको साइन एड करना, फॉर्म क्रिएट करना, मर्ज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। अगर आप चाहें कि हम PDF से एक्सेल में कन्वर्ट कर दें, PDF से JPG में कन्वर्ट कर दें, या PDF से पावर पॉइंट है, आप किसी भी, आप जैसा चाहें वैसा आप यहां से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सारे मॉडिफिकेशन यहां अलाउड हैं। तो गाइज हमने ये देखा कि कितनी आसानी से हमने PDF को एडिट किया और एडिट करने के बाद भी हम चाहें तो एडिट कर सकेंगे, कैसे एडिट कर सकेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, मर्ज कैसे करेंगे, क्रॉप कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को हमने एक एक इसके टूल जो थे सारे समझा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। लास्ट में जब आप सारी चीज़ों को फाइनली एडिट कर दें तो डाउनलोड का ऑप्शन आता है, यदि आप शेयर नहीं करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं।
डाउनलोड करने के बाद आपकी फाइल यहाँ नीचे डाउनलोड होके दिखेगी। अब आपकी फाइल देखिए ये प्रिंट के लिए तैयार भी हो गई है। आप चाहें तो सिस्टम पे रखें और आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं या किसी को शेयर भी कर सकते हैं। और ये आपकी जो फाइल है इनको जूम करके भी देखेंगे तो आपको कहीं भी डुप्लीकेसी नज़र नहीं आने वाली। तो है ना कमाल की साइट गाइज, हमने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि आपने अच्छे ढंग से समझ भी लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप जरूर बने रहें, जल्द ही हम आपको फिर एक ऐसी ही एक बहुत ही आपको यूनिक साइट बताने वाले हैं जिसमें आप ये जानेंगे कि नेक्स्ट हमारे टॉपिक में क्या आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। क्या ही चलते चलते मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि ये जो फाइल है पीडीएफ फाइल को जो हमने एडिट करना सिखाया है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिससे हमें लगे कि हमारे एक्टिव कितने व्यूअर हैं और वो वीडियो से उनको क्या एक्शन या रिएक्शन मिल रही है, तो ये आप जरूर बताइएगा। हो सके वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।